in this question we are given that if x is real, x real hai, then this expression x square minus x plus c upon x square plus x plus 2c can take all values, can take all real values if c ki kin values ke liye ye expression sari real value le sake humko batana hai. To sabse pehle to isko hum y maan lete hain, right? Ab cross multiply karke sabko ek taraf le jaye, so this is yx square minus x square, so we can write it as y minus 1 x square, yx plus x, this is y plus 1 x, plus 2cy minus c. So I can write c common ले लेते हैं, 2y minus 1 equal to 0, right? Now we are given that x is real, x real है तो इसका discriminant greater than 0 होगा, so as x is real, therefore ये जो x को quadratic है इसका discriminant greater than 0 होगा, so discriminant is y plus 1 whole square minus 4c, y minus 1 into 2 minus 1 should be greater than 0, right? Can take all values, यानी कि y की value minus infinity से infinity सारी value possible होनी चाहिए. So this must be true for all y of R, ताकि y minus infinity से plus infinity सारी value ले सके. वो इसको simplify कर लेते हैं. So this will become y square plus 2y plus 1. And this is 2y square minus y minus 2y, that is minus 3y plus 1 greater equal to 0 for all y belongs to R. So further simplify karne pe this will become y square aur yahan se hai minus 8c y square, so this is 1 minus 8c y square, yahan pe 2y aur yahan pe aayega plus 12cy, तो 2 कॉमन लेने पे 1 plus 16 into y, and this is 1 minus 4c must be greater than 0 for all y belongs to R, right? Y की सभी वैल्यू के लिए सही होना चाहिए. That means यदि इसको मैं एक y में फंक्शन मान लूं, तो to be true for y belongs to R, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर टू जीरो होना चाहिए वाई बिलोंग्स टू आर के लिए. तो इसका जो ग्राफ है या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई लिया है एंड दिस इज फाई ऑफ वाई, ताकि हमेशा पॉजिटिव मिले, या इक्वल टू का साइन भी है, दैट मीन्स ये टचिंग भी हो सकता है. तो इस तरह का ग्राफ होना चाहिए. तो ऐसा ग्राफ बनाने के लिए जो कंडीशन होंगी, एक तो पैराबोला अपवर्ड बने, दैट मीन्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, एंड या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही पर हो या फिर टच करे, दैट मीन्स कट नहीं करना चाहिए. तो इस केस में तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा. सो इस इनइक्विटी का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो. तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, तो उससे तो हमारे पास आ गया c शुड बी लेस देन 1 बाई 8. डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 4 टाइम्स 1 प्लस 6c होल स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 8c, 1 माइनस 4c, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. सो 4 इज कैंसल आउट, और यहां पे 1 आएगा और यहां पे भी माइनस 1 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 12c प्लस 36c स्क्वायर, है ना, 1 कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 8c माइनस 4c, सो माइनस प्लस 12c,
एंड दिस इज प्लस 32 सी स्क्वायर, माइनस की वजह से माइनस 32 सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये 4 सी स्क्वायर और 24 सी, तो इफ आई टेक 4 सी कॉमन, दिस इज सी प्लस 6। सो नंबर लाइन पे बनाने पे वी विल गेट सी बिलोंग्स टू माइनस 6 टू 0, राइट। अब बाउंड्री को अपन चेक कर लेते हैं, इंटरसेक्शन तो इसका आ ही जाएगा। चेकिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, तो c इक्वल टू 0 पे तो y विल बी तो एक रूट कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो y कैन नॉट बी 0, तो c इक्वल टू 0 रिजेक्टेड है ना, क्योंकि y तो सारी रियल वैल्यू ले सके, ऐसी हमको वैल्यू चाहिए। और c इक्वल टू माइनस 6 लेने पे, c को यदि मैं माइनस 6 लेता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 एक्स प्लस 2, राइट। और ये हो जाएगा c को माइनस 6 लेने पे माइनस 12, माइनस 12 दैट मीन्स ये हो जाएगा x प्लस 4 एक्स माइनस 3। तो अगेन x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया है, सो y कैन नॉट बी 3, 3 पे डिफाइन ही नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। Therefore, answer is C must belongs to minus 6 to 0. That means D option is the correct option.